भाइयों और बहनों, 21वीं सदी के भारत को देश के शहरों से नई गति मिलने वाली है। हमें बदलते हुए समय और बदलती हुई जरूरतों के साथ अपने शहरों को भी निरंतर आधुनिक बनाना जरूरी है। शहर में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम आधुनिक हो, सीमलेस कनेक्टिविटी हो, यातायात का एक साधन दूसरे को सपोर्ट करे, ये किया जाना बहुत आवश्यक है। और जो गुजरात में मोदी की पर बारीकी नजर रखने वाले लोग हैं, वो वैसे एक अच्छी जमात है और एक तेज जमात भी है, उनको ध्यान होगा जब मैं यहां मुख्यमंत्री था, मुझे साल तो याद नहीं है, बहुत वर्षों पहले हमने अहमदाबाद में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के ग्लोबल समिट किया था। यानी उस समय भी मेरे दिमाग में चलता था, लेकिन कुछ विषय भारत सरकार के होने के कारण मैं तब नहीं कर पाया। अब आपने मुझे वहां भेजा तो मैंने अब ये कर दिया। लेकिन ये सोच आज साकार होती हुई देखता हूं, और इसी सोच के साथ बीते 8 वर्षों में शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना बड़ा निवेश किया जा रहा है। 8 वर्षों में एक के बाद एक देश के 2 दर्जन से ज्यादा शहरों में मेट्रो या तो शुरू हो चुकी है या फिर तेजी से काम चल रहा है। देश के दर्जनों छोटे शहरों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। उड़ान योजना छोटे शहरों में हवाई सुविधा देने में बड़ी भूमिका निभा रही है। हमारे जो रेलवे स्टेशन हुआ करते थे, उनकी क्या स्थिति थी ये आप भलीभांति जानते हैं। आज गांधीनगर रेलवे स्टेशन दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट से कम नहीं है। और 2 दिन पहले भारत सरकार ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को भी आधुनिक बनाने की स्वीकृति दे दी है।